इसमें एक्टिंग के जो 9 रस है ना वो सारे मुझे करने के लिए मिलेंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूँ, वो कर रही हूँ जो आज तक कभी नहीं किया, और एक ऐसा शो का हिस्सा हूँ जो आज तक टीवी पे भी कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया है. बहुत ही क्लासीली शूट कर रहे हैं. महक का भूत मेरी बॉडी में आएगा और पोजेस करेगा मुझे. अभी आपने उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर देखा. सो एज एन एक्टर इट इज़ वेरी वेरी सैटिस्फाइंग. बहुत मज़ा आ रहा है. एक्चुअली पहले जब लोग मुझसे पूछते थे कि जो आप किरदार निभा रहे हो, जैसे डिप्रेसिंग सीन्स होते हैं, हाउ डू यू स्विच ऑफ एज एन एक्टर, बट वहाँ पे कुछ ऐसी मुश्किल नहीं लगती थी. हाउ टू स्विच ऑफ, हाउ टू स्विच ऑन, क्या प्रेपरेशंस करें. बट ये एक ऐसा शो है जो पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ दैट शूटिंग के वक्त डर नहीं लगता है, बिकॉज देयर एटलीस्ट 100 पीपल अराउंड यू. जब अंधेरे में रात में सीन्स करने होते हैं तब बिल्कुल डर नहीं लगता, बट व्हेन आई गेट होम तो माय माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स विद मी. मुझे नींद नहीं आती है. आई एक्चुअली फील कि यू नो पर्दे के पीछे कोई है. ओ ये आवाज़ कहाँ से आई, देयर इज समवन अंडर द बेड. तो ये थोड़ा स्पूकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है शूटिंग के बाद. तो आई थिंक आई हैव टू प्लान अ ब्रेक, कहीं जाना पड़ेगा छुट्टी लेके, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल टैक्सिंग. थोड़ा डर लगता है.